बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन आपके साथ इस नई क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आपका ये सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा और आपके आने वाले रिज़ल्ट के लिए भी पुरउम्मीद हूँ। तो आज का हमारा उर्दू का लेक्चर जो है वो मॉडल पेपर के ऊपर जो है वो होगा कि हमें किस तरह से जो है उर्दू का पेपर आएगा बोर्ड के अंदर और हम कितने सवाल होंगे और किस किस अंदाज में आपने जो है उसको हल भी करना है। तो सबसे पहले मैं बताता जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये 2019 का एनुअल पेपर है मुल्तान बोर्ड का। तो यही एक तरह से हमारा मॉडल पेपर भी है। प्लीज़ इसमें नोट कीजिएगा कि ये उर्दू का साल अव्वल में 11वीं जमात के अंदर ये पेपर जो है ये 100 नंबर का होगा। तो अभी आपने मैट्रिक के जो पेपर दिए वो 75 नंबर का था तो यहाँ पर आपको कुछ मुख्तलिफ भी मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हिस्सा इंशाया, तो हिस्सा इंशाया जो है इसके कुल नंबर जो है वो 20 हैं और ये 20 मिनट पर मुश्तमिल होगा। बाकी सेम इंस्ट्रक्शन वही है जो आपको मैट्रिक लेवल पर मिली थी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें 20 एमसीक्यूज़ जो है उनका ताल्लुक जो है वो 4 कैटेगरी से, जिनमें से पहले 5 एमसीक्यूज़ आपको अगर नज़र आ रहे हैं यहाँ से पहले एमसीक्यूज़ सुन्नत के लफ्ज़ी मायना हैं यहाँ से ये, और आखिरी 5वां एमसीक्यूज़ के दौरान सफ़र इब्ने इंशा को ज़मीन नज़र आई, यहाँ तक जो है इनका ताल्लुक जो है हिस्सा नसर से है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों ये नोट कीजिएगा। हाँ जी, एमसीक्यूज़ नंबर 6 से शुरू होता है और 10 तक, इनमें जो है वो 3 चीज़ें होती हैं तशबी, तरमी और इस्ताब। तो इनके अंदर और इनके अरकान से रिलेटेड जो है वो 10 एमसीक्यूज़ जो है बनते हैं, 5 एमसीक्यूज़ बनते हैं और अभी तक के हमारे 10 एमसीक्यूज़ जो है वो हो चुके हैं। तो नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। 11 से 15 तक एमसीक्यूज़ का ताल्लुक जो है वो शेरी सलात से, जिनमें मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ से रिलेटेड। तो इससे जो है मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ बनते हैं और बच्चे को उनके जवाब, अभी तक आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे मैट्रिक में भी आपने किया, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो आप भरपूर तैयारी कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह 91 तक जो है वो उर्दू में नंबर आए हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स के। तो मेहनत आपने करनी है, गाइडेंस हम देंगे। तो आगे चलते हैं 16वां एमसीक्यूज़ जी, 16, 17, 18, 19 और 20, इनका ताल्लुक जो है बेटा आपने 9th क्लास में तस्कीर तालीस पढ़े थे, आसान लफ्ज़ों में मुज़क्कर मुअन्नस। तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में आपसे वही एम सी क्यूज़, वही मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो एम सी क्यूज़ की शक्ल में पूछे जाएंगे, उसका ताल्लुक जो है वो तस्कीर तालीस से होगा। तो यूँ बच्चों हमारा ये हिस्सा इंशाल्लाह जो कि 20 नंबर पर मुश्तमिल था ये मुकम्मल हुआ। अब हम हिस्सा इंशाल्लाह की तरफ चलते हैं। इसका कुल वक्त जो है ये हम हिस्सा जी, अब हम हिस्सा इंशाल्लाह की तरफ आते हैं। इसका कुल वक्त जो है वो 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेगा और इसके कुल नंबर 80। तो नोट कीजिएगा, ये वाली बात आपको आमतौर पर क्लास में भी बताई जाती है कि जवाबी कापी पर वही सवाल नंबर और जुज नंबर, सवाल नंबर और जुज नंबर दर्ज कीजिए जो सवालिया पर्चे में दर्ज है, यानी कि जो यहाँ पर दर्ज है। आप देखेंगे हिस्सा अव्वल का आगाज़ हो रहा है और इसका सवाल नंबर 2 है, क्योंकि पहला सवाल जो था वो एम सी क्यूज पर मुश्तमिल था, वो आपने पहले 20 मिनट में कर लिया। और सवाल नंबर 2 का अलिफ जो है वो नज़्म के अशार पर मुश्तमिल होगा,
तो यहाँ पर बेटा आपने गौर करना है कि आमतौर पर मैट्रिक में आपको दो नंबर की तशरीह का सवाल आता था, एक शेर आता था उसका दो नंबर आने के लिए तशरीह करनी होती थी और हर शेर का ताल्लुक मुख्तलिफ नज़्म से होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको दो शेर जो है वो दिए जाएंगे और वो एक ही नज़्म से होंगे। क्यों कि ज़रा सवाल पर गौर कीजिएगा कि दर्ज ज़ैल अशआर की तशरीह कीजिए, शायर का नाम और नज़्म का उन्वान भी तहरीर करें। तो ये दो बातें आपने गौर करनी है कि शायर का नाम और नज़्म का उन्वान। अब अगर हम देखें तो इनके अलहदा अलहदा नंबर हमें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिनमें अगर हम देखें तो चार आठ नंबर जो है वो अशआर की तशरीह के हैं, यानी कि चार नंबर की तशरीह इस शेर की और चार नंबर की तशरीह इस शेर की। तो एक नंबर जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो हिस्सा शायर के नाम से है और एक नंबर का ताल्लुक जो है वो नज़्म का उन्वान लिखने से है। ठीक है जी। इसी तरह एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि चूंकि इन दोनों का ताल्लुक जो है वो एक ही नज़्म से है तो लिहाजा इन दोनों की तशरीह हम इकट्ठी भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर जैसे जैसे हम सवाल को और उस टॉपिक को शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको बताया जाएगा कि तशरीह कितनी करनी है या कोई भी सवाल है तो उसके बारे में लाजमी इब्तिदा में बता दिया जाएगा। तो इसी तरह जब हम सवाल नंबर दो का ही बेजुज़ की तरफ हम चलते हैं तो उसमें देखें कि वहाँ पर भी आपको अशआर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तादाद जो है वो तीन अशआर पर मुश्तमिल है जिनमें तीनों का ताल्लुक जो है अगर हम सिर्फ काफिया लतीफ़ को देखें तो वो एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही गज़ल के अशआर हैं। तो सवाल ज़रा गौर से देखिएगा कि दर्ज ज़ैल अशआर की अलग अलग तशरीह कीजिए। तो बेटा ये बात आपने ज़रा से अक्सर पूरा साल गुजर जाता है बच्चा इसमें गलती करता है कि तशरीह गज़ल की अशआर की तशरीह अलहदा अलहदा करनी चाहिए हमें, चूँकि गज़ल के हर शेर का मफहूम अलग होता है जबकि नज़्म जो है वो एक ही उन्वान के तहत होती है, इसलिए वो इकट्ठी भी की जा सकती है। तो ये बड़ी काबिल-ए-गौर बात है और इसलिए कि इसके नंबर भी आपको अलग अलग दिए जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि आठ नंबर जो है वो इकट्ठे लिखे हुए थे, वो नज़्म के अशआर की तशरीह थे। तो यहाँ पर अलग अलग आपको तीन तीन नंबर मिलेंगे, इस तरह से कुल नौ नंबर बन गए। एक नंबर जो है वो अगर आप देखें तो शायर के नाम पर है। ठीक है जी। तो यूँ दस नंबर जो है वो आपके इस हिस्से में भी मुकम्मल हो गए। अब हम चलते हैं हिस्सा दोम की तरफ जी। सवाल नंबर तीन है। आमतौर पर आपने मैट्रिक लेवल पर नसर पारों की तशरीह की थी और वहाँ पर थे उसके पांच नंबर। यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ हैं, चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपने अगर स्टार्स उर्दू नोट्स जो मेरे थे उनमें से तैयारी की है तो आपने देखा होगा कि मैंने हर नसर पारे के साथ वो के बोर्ड में उन्होंने आपसे सियाक व सबाक नहीं पूछा, लेकिन मैंने अपने बच्चों को तैयार करने की कोशिश की कि सियाक व सबाक वहीं पर बताया गया। और सियाक व सबाक के हवाले से कहते हैं कि किसी एक जुज़ की तशरीह करनी है तो प्यारे बच्चों ये दो जुज़ हैं अलिफ और बे, इन दोनों में से आपने किसी एक जुज़ की तशरीह जो है वो करनी है। अच्छा, दो चीज़ें होंगी अभी तक कि आपने सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह करनी है, यानी कि सियाक व सबाक भी लिखना है और तशरीह भी करनी है और फिर मुसन्निफ का नाम भी बताना है। आपने सबक का उन्वान, ये चीज़ याद रखिएगा, मुसन्निफ का नाम होता है और सबक का उन्वान होता है टॉपिक, तो ये भी आपने तहरीर करना है। इसके अलग अलग नंबर दिए जाएंगे, आइए नंबरों की तकसीम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सियाक व सबाक तो उसके तीन नंबर हैं।
फिर अगर हम तशरीह की तरफ देखते हैं तो बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है वो नसर पारे की तशरीह करने के 10 नंबर हैं। तो लिहाजा मैट्रिक में अगर देखें तो वहाँ पर एक नसर पारे की तशरीह जो आप मुख्तसर सी लिखते थे तो उसके 2 नंबर मिलते थे, 2 कुल नंबर होते थे, उनमें से एक या डेढ़ या एक नंबर बच्चे को मिलता था। तो यहाँ पर 10 नंबर है, तो फिर उसी मुनासिबत से देख लीजिएगा कि तशरीह आपको बहुत अच्छी खासी करनी है। इसी तरह सवाल जो मुसन्निफ का नाम है उसका 1 नंबर है और सबक का उनवान जो है उसका 1 नंबर है, तो यूँ कुल 15 नंबर जो है वो यहाँ पर बनेंगे। आपने इन 2 नसर पारों में से किसी एक की तशरीह करनी, फ़र्ज किया कि हमें पेजेस हम करने लगे हैं, तो आपने क्या लिखना है, हिस्सा 2 सवाल नंबर 3 जुज नंबर बे, क्योंकि ऊपर बड़ी अहम इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि सवाल भी वही लिखें और जुज नंबर भी वही जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। हाँ, एक सवाल आपका ज़रूर आपके जहन में आ रहा होगा कि सर मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं, तो नहीं बेटा, मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं लिखने हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पेपर आसान होगा, तो हमने मुश्किल काम नहीं कर। वेरी गुड। सवाल नंबर 4, मुदरजा ज़ाइल में से किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखें और मुसन्निफ का नाम लिखें। यानी एक को हमने सबक का खुलासा लिखना है, कितने 2 हैं, जुज़ 1 और जुज़ 2, इन दोनों में से कोई एक, तो लिहाजा खुलासा लिखने का आपको रिवार्ड जो मिलेगा वो 9 नंबर में से मिलेगा और मुसन्निफ का नाम जो है वो 1 नंबर, कुल 10 नंबर का ये सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5, मौलाना जफर अली खान शायर का नाम आपको पहले से बता दिया, मौलाना जफर अली खान की नज़्म मुस्तकबिल की झलक का खुलासा तहरीर करना है, मर्ज़ी क्या यहाँ पर नहीं पूछा जाता। तो आपको नज़्म का उनवान भी बताया जा रहा है और शायर का नाम भी बताया जा रहा है, तो इसके खुलासे के आपको मिलेंगे खालिस्तन 5 नंबर में से अवार किया जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6, ग्राहक और दुकानदार के दरमियान अशिया खुर्दनोश कीमतों में हालिया इजाफे के हवाले से मुकालमा तहरीर करें। तो यानी एक तो आ गया कि आपने मुकालमा लिखना है, तो यहाँ पे आपने आपको बताता जाऊँ कि आपने एक साल पहले 9th क्लास में मुकालमे सीखे थे उससे, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसका मिच्योर काम होगा, उसके अंदर जो है अजाफा होगा, आप मुआद में अजाफे के साथ जो है तहरीर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर थे 5 नंबर, यहाँ पर आपको अवार्ड किए जाएंगे 10 में से, या तो आप ये मुकालमा तहरीर करेंगे या फिर देखिए पॉलिश में योम पाकिस्तान के मौका पर मुनाकिद होने वाली तकरीर की रुदाद रकम कीजिए, रकम का मायना लिखिए, तहरीर कीजिए। रुदाद क्या होती है ये इंशाल्लाह जब हम सब इस टॉपिक पे जाएंगे ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर सिंपल कि या तो आपने मुकालमा लिखना है या रुदाद। रुदाद क्या है कि आप कॉलेज में गए और योम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान डे मनाया गया वहाँ पर, और उस दिन क्या कुछ हुआ कॉलेज में वो आपने ज़ेब करतास करना है, तो इसके कुल जो है वो 10 नंबरों में से आपको रिवार्ड कर सकता। सवाल नंबर 7, डिप्टी कमिश्नर के नाम आपने इलाके में पार्क के क्याम की दरख्वास्त लिखी, यानी कि किसी किस्म की भी यहाँ पर प्रिंसिपल के नाम भी और कोई महकमा जाती दरख्वास्त भी आपको आ सकती है, तो साबित ये हुआ कि सवाल नंबर 7 जो है उसका ताल्लुक दरख्वास्त नवीसी से है, तो यहाँ पर आपको इसके 10 नंबरों में से अवार्ड किए जाएंगे। तो हमारा आखिरी सवाल जो साल अव्वल के उर्दू का सब्जेक्ट है वो है खुशियों, दर्ज ज़ाइल इबारत की तलफीस कीजिए और उसका मौजू उनवान भी लिखें। तो ये बेटा वो सवाल है जिसको आम तौर पर बच्चे बहुत ही आसान समझते हैं, और ये है भी आसान लेकिन जिसको समझना है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है,
टेक्निकली मैथमेटिकली ये सवाल है, इसके सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए रूल्स की कि कैसे करना है। तो तलखीस क्या है, मुख्तसर आपको बताता हूँ कि आपने एक इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है और इसके अंदर से जो आपको मिसाल के तौर पर अगर इसके जो है वो कुल अल्फाज जो है वो 90 हैं तो इसकी तलखीस जो होगी वो 30 अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। यानी कुल अबारत को पढ़ने के बाद उसका 1/3 आपने लिखना है और उसके मफहूम पर फ़र्क ना पड़े, तो इस अंदाज में तलखीस करने के आपको मिलेंगे 8 नंबर और मौजू उनवान तहरीर करने पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो अगर मैं अपने आज के लेक्चर की तलखीस करूँ तो प्यारे बच्चों मैं यूँ कर सकता हूँ कि साले उम्र में उर्दू का पेपर कुल 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और 20 नंबर हिस्सा मारूजी के और 80 नंबर हिस्सा इंशाइया के होते हैं। तो ये आज के लेक्चर की एक तरह से तलखीस भी थी। उम्मीद है कि आपको मॉडल पेपर उर्दू का समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह हम आप बाकायदा तौर पर अपने आने वाले लेक्चर्स में उर्दू की बाकायदा तैयारी भी शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह आपसे हर नए लेक्चर में मुलाकात होती रहेगी। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। और आपने अगर ये वाला मेरा मोहम्मद अमीन वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त जो है वो वीडियोस पहुँचती रहें। अल्लाह।